नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इडियोटेरिया का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है। दोस्तों, इसमें हम लोग पहला और दूसरा अभी तक पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। तो दोस्तों, चैनल में जो भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों करंट अफेयर आप लोग सभी को पता होगा, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट अफेयर ज़रूर पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। और एक बात है दोस्तों, अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो झारखंड फाइटर्स टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ के ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट एवं उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? देखिए, पहला है बिलारिका ज्वालामुखी चिल्ली, ये सही है। रेगजेंस फ्राइदीप आइसलैंड, ये भी सही है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया, ये भी सही है। तो इनमें से सभी जो है दोस्तों क्या है, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट का दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, काकरापार गुजरात। ऑप्शन ये हो जाएगा, काकरापार गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला है, इसका आयोजन हरियाणा में किया गया, बिल्कुल सत्य है। इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सत्य है। सॉरी, ये जो दोस्तों इसका आयोजित हरियाणा में किया गया, ये गलत है। दूसरा, इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये आपका सत्य है। और इसमें बिहार ने 6 रजत 3 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीते और पदक तालिका में 22वां स्थान प्राप्त किया। तो पहला नहीं दोस्तों, दूसरा और तीसरा क्या है, वो कथन जो है सत्य, ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल शब्बा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? तो कुवैत। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सौरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI संचालित किस टूल का उपयोग किया ताकि उनके तमिल दर्शक उनके हिंदी भाषण का वास्तविक समय में अनुवाद सुन सके? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, भाषिनी। क्या हो जाएगा, भाषिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN रेड लिस्ट अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने प्रतिशत विलुप्त होने के खतरे में है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, 25%। क्या हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ उन्हीं ड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उमा शेखर। क्या हो जाएगा, उमा शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेगी? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये और भी दोनों, नोवाक जोकोविच और आर्याना शबालेंका।
ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंझगांव डॉक शिप फील्डर्स और नेवल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता दोस्तों, पियानो वादक डेनियल ब्रेन बोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों इसका जो है पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में सब महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। कौन सा राज्य है वो? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने किस भारतीय पहलवान को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतिम पंघाल, ऑप्शन डी हो जाएगा अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम जनमन योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम जनमन योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया, तो वो वर्ष कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 2024 एवं 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे सिनकॉप्स के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 में प्रवासियों से सबसे अधिक $125 अरब की प्राप्तियों के साथ विश्व में शीर्ष स्थान रहा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों भारत। क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हुती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया, हुती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों अमन। क्या हो जाएगा? अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, ऑप्शन ये हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइक्रोग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो म्यांमार के द्वारा। किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर हाल ही में कौन से राज्य सहमत हुए? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने शस्त्रागार में तलाई और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित परिष्कृत क्रूज मिसाइलों को शामिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवासियों की ज़रूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने ज़मीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना, ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2023 को किस शहर में 1500 लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर। क्या हो जाएगा? ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों यूएई। क्या हो जाएगा? यूएई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नई बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर JT-60S शुरू किया गया? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ, ऑप्शन डी हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC से बाहर निकलने की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अंगोला। क्या हो जाएगा? अंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सभी जो है सुमेलित है। प्रमोद अग्रवाल BSC के अध्यक्ष हैं, संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, जी राम मोहन SEBI के कार्यकारी निदेशक, तो सभी कथन क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सुकृता पॉल। क्या हो जाएगा? सुकृता पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH स्टार अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सभी कथन सत्य है। पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला था? जेंडी वार्ड। गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 सविता पुनिया। तो सभी कथन जो है दोस्तों क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। क्या है? केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, ये सभी जो है दोस्तों उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया की रोकथाम के लिए शांस अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय एयरलाइन कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंडिगो। क्या हो जाएगा? इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था को लिफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसरो, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? किसने जीता दोस्तों? तो हरियाणा टीम ने जीता, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं जिसे KKR ने 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा है? किसे खरीदा था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिचेल स्टार्क। क्या है? कौन खिलाड़ी है दोस्तों? मिचेल स्टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अंडर-19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? किस देश ने जीता दोस्तों? तो बांग्लादेश ने जीता, ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी की शुरुआत राज्य में की गई, कहाँ की गई दोस्तों? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, संजीव। क्या है? संजीव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और दूसरा जो है दोस्तों रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ये दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों को दोस्तों पुरस्कार ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से चुना गया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेथ द्वितीय ने 52 वर्षों तक राजगद्दी पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली। क्या है, क्या हो जाएगा, इटली। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।